हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक हैक में। तो दोस्तों, यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी चल रही है रियलमी डे सेल, जो कि 13 तारीख तक चलने वाली है। और इस सेल में दोस्तों एक काफी तगड़ा स्मार्टफोन यहाँ पे निकल के आ चुका है। काफी अच्छे प्राइसिंग पे आपको ये फोन मिलने वाला है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको रियलमी डे सेल में रियलमी का कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए और क्यों बाय करना चाहिए। तो चलिए जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ वो है Realme X7 Max। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना, ये जो स्मार्टफोन है वो आपको इस सेल के अंदर मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए में। और वहीं इसके अगर मैं ओरिजिनल प्राइसिंग की बात करूँ तो ये आपको कुछ एक दो दिन पहले ही 27,000 रुपए का मिल रहा था। और यहाँ पे मैं इसे ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ, तो मैंने भी इस फोन को जो वो 27,000 रुपए में बाय करा था। और 27,000 रुपए में भी कहना चाहूंगा ये जो फोन है वो काफी अच्छा पैकेज अपने साथ लेके आ जाता है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बता देता हूँ, फिर मैं आपसे और बात करूंगा इस फोन के फीचर्स के बारे में और बताऊंगा आपको ये फोन क्यों परचेस करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि मेरा इस फोन को बाय करने का जो रीजन था वो था सिर्फ और सिर्फ इस फोन की परफॉर्मेंस। इस स्मार्टफोन में आपको मिलता है MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर, जो कि एक 6 नैनोमीटर पे बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी एफिशिएंट भी ये जो प्रोसेसर वो देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम गेम्स की बात करें तो आप इसमें सभी गेम्स को हाई एंड सेटिंग्स पे खेल सकते हैं। यहाँ तक कि आपको पबजी में 90 FPS का ऑप्शन भी इस फोन में अनलॉक मिल जाता है। तो अगर आप भी पबजी लवर हैं, आपको भी पबजी खेलने के लिए एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, आपका बजट सिर्फ 20,000 से 25,000 का है, तो यहाँ पे मैं आपको रियलमी का X7 Max स्मार्टफोन रिकमेंड करता हूँ। इस टाइम पे दोस्तों अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो इस स्मार्टफोन को मैं कहना चाहूंगा ये आपको एकदम बेस्ट मिल जाता है, क्योंकि जो प्राइसिंग है वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए, और 21,000 रुपए में आपको Dimensity का 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में एक 120Hz की सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहना चाहूंगा एक और बार आपको गेमिंग का जो एक्सपीरियंस है काफी अच्छा मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। मैंने इस फोन को जितना भी यूज करा है, इसमें जो आपको स्क्रॉल्स या जितना भी इस फोन को यूज करेंगे आपको काफी एक फ्लूइड एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा इस स्मार्टफोन में। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा स्मूथनेस में इस फोन में कोई भी कमी मेरे को देखने को नहीं मिली है। अभी दोस्तों ये जो फोन है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट दोस्तों जैसे ये फोन वापस आता है मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ इस फोन की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो अगर आप भी इस फोन का परफॉर्मेंस टेस्ट देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। वहीं दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट में भी यहाँ पे रियलमी ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। इस फोन के रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी और चार्जिंग की, तो यहाँ पे दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो मेरे को काफी अच्छा लगा। आपको 4500 mAh की स्मार्टफोन में बैटरी देखने को मिल जाएगी, वहीं आपको 65 वॉट्स का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। बट दोस्तों ये जो फोन है वो सपोर्ट करता है 50 वॉट्स की चार्जिंग। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा चार्जिंग भी इस फोन की मेरे को काफी अच्छी लगी। तो यहाँ पे दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको सारी स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन की बता दी है। तो अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन के ऊपर, आपको ये जो फोन है वो क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों पहला रीजन जिसकी वजह से आपको इस फोन को परचेस करना चाहिए वो है इस फोन की परफॉर्मेंस और प्राइसिंग। तो दोस्तों परफॉर्मेंस और प्राइसिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो इस पॉइंट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला यहाँ पे। अब बात करें अगर नेक्स्ट रीजन की, तो यहाँ पे इस फोन में आपको मिल जाते हैं स्टीरियो स्पीकर्स, और यहाँ पे कहना चाहूंगा काफी अच्छा आउटपुट आपको इस फोन में मिलेगा, आपको काफी अच्छी साउंड लाउडनेस और क्लियरनेस आपको सभी मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में। और दोस्तों जो लास्ट रीजन है वो काफी लोगों की प्रॉब्लम रहती है, काफी लोग कहते हैं अब जो फोन है वो काफी ज्यादा बल्की और मोटे आ रहे हैं। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम भी आपको इस स्मार्टफोन में नहीं मिलेगी, आपको 179 mm की थिकनेस पे जो फोन है वो मिल जाता है, काफी लाइट वेट और काफी स्लिम आपको ये जो फोन है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।